टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आम लोगों का घरेलू बजट पहले से गड़बड़ चल रहा है, वहीं पोल्ट्री फार्म यानी कि मुर्गी पालन केंद्रों की लागत में निरंतर वृद्धि से अंडे और पोल्ट्री मांस भी महंगा हो गया है। हाल ही में प्रति अंडे का दाम 6 रुपए था, जो आज बढ़कर 7 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता के बाजारों में खुदरा विक्रेताओं ने कहा कि ब्रॉयलर चिकन की कीमतों में भी पिछले सप्ताह से 20 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम ये महंगी हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में बारिश के कारण सब्जियों की कीमतों में भी तेजी आई है। खाद्य तेल की कीमतें हाल ही में अपने उच्चतम स्तर से कुछ कम हो गई है, लेकिन महामारी पूर्व के स्तर से अब भी कम से कम 40% अधिक बनी हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल पोल्ट्री फेडरेशन के सचिव ने बताया कि मुर्गी दाने की कीमत लगातार बढ़ रही है, उनकी कुल लागत में लगभग 90% की वृद्धि हुई है। वहीं अंडे की कीमत 7 रुपये प्रति अंडा से कम है, जो किसानों के लिए अलाभकारी है। इस बीच सब्जियों की कीमत भी बढ़ी है। वहीं भिंडी की कीमत 15 रुपये से 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। लौकी की कीमत 20 रुपये से 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि अन्य सब्जियों में 15 से 20% की वृद्धि हुई है। वहीं खुदरा विक्रेताओं ने कहा है कि टमाटर 80 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच मंडरा रहा है, तो आलू की कीमतों में भी तेज़ी आई है। एक स्थानीय बाजार विक्रेता ने दावा किया है कि पिछले कुछ दिनों से बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं मई में मुद्रास्फीति 7% से अधिक रही, जो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए 4% के संतोषजनक दायरे से अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।